सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं हूं तब्रेज, आप देख रहे हैं तब्रेज का टेच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ़ॉन्ट व्हाट्सअप को किस तरह से अपडेट करेंगे, यानी कि आपके व्हाट्सअप पर इस तरह से मैसेज आया होगा, आपका फ़ॉन्ट व्हाट्सअप बंद हो चुका है, यानी कि आपका फ़ॉन्ट व्हाट्सअप अपडेट मांग रहा है, तो किस तरह से अपडेट करेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दें तो फ़ॉन्ट व्हाट्सएप का इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और उस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड दिखेगा फ़ॉन्ट व्हाट्सएप, यानी कि ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फ़ॉन्ट व्हाट्सएप, आपको फ़ॉन्ट व्हाट्सएप दिखेगा, आपको उसके नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद एक इस तरह से एक पेज ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से दिखेगा डाउनलोड के ऑप्शन पर, फिर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक मेगावाइट में आपका फाइल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको फ़ॉन्ट व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन इन मेगा ऐप, आपको नहीं करना, आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरह से फ़ॉन्ट व्हाट्सएप 9.11 वर्जन आपका डाउनलोड होने लगेगा। तो इस तरह से डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फिर से सेव फाइल, आप सेव फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर सेव फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से एक मैसेज आएगा आपको ओके पर, यानी कि आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा, तो आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका इस तरह से फ़ॉन्ट व्हाट्सएप आपका फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।